जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। इससे पहले के लेक्चर में हम वायुमंडल की संगठन के संदर्भ में बात कर चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वायुमंडल की संगठन से संबंधित लेक्चर देख लें। आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में, या अन्य शब्दों में कहूँ तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल की परतें, जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। इस वायुमंडल की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों या फिर विभिन्न संरचनाओं में विभक्त किया गया है। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो, रडार, उपग्रह, रेडियो तरंग और विभिन्न प्रकार के सेंसर का प्रयोग किया जाता है। इन सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसी के आधार पर वायुमंडल की विभिन्न परतें या संरचना को दो वर्गों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला तापमान के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषता के आधार पर। चलिए देखते हैं कि तापीय विशेषता या फिर तापमान के आधार पर हम वायुमंडल को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम वायुमंडल धरातल के सबसे ऊपरी भाग, याद रखेंगे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। मुख्य रूप से हम तापमान के आधार पर वायुमंडल को पांच प्रमुख परतों में बांटते हैं। सबसे पहला क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा सबसे ऊपर बहिर्मंडल। धरातल से लगा हुआ भाग जो धरातल से प्रत्यक्ष संबंध रखता है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और आयन मंडल के सबसे सबसे ऊपरी भाग को जो अंतरिक्ष से लगा हुआ है वो है बाह्य मंडल। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि किस प्रकार से इन सभी मंडलों की क्या क्या विशेषता है और इन्हें कितने उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण तीसरा डी बोर नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल और मिश्रित प्रदेश। सबसे निचली और संघन परत क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग 75%, और यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाता हो है तो वो है 14 किलोमीटर, और वही भूमध्य रेखों पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और ध्रुवीय प्रदेशों में 8 से 10 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह जो मंडल है, सबसे निचला परत जो है क्षोभ मंडल, जलवायु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी मौसम घटनाएं जैसे संघनन, वर्षा, बादल, बिजली, तूफान, चक्रवात आदि सभी घटना, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। जैसे ही हम क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाने लगते हैं तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। लगभग 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर पर तापमान की गिरावट होती है, जिसे सामान्य गिरावट दर या फिर नॉर्मल लेप्स रेट या फिर सामान्य ह्रास दर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। याद रखेंगे क्षोभ मंडल में जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री तापमान क्या हो जाती है, घटने लगती है, जिसे हम सामान्य गिरावट दर या सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लेप्स रेट के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फीयर जो क्षोभ मंडल का ऊपरी परत होता है समताप मंडल, और इन दोनों के मध्य जो सीमा बनाता है उसे कहा जाता है ट्रोपोपास। यह वह परत है जो समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल को अलग करती है।
आगे बात करते हैं हमारे दूसरे परत के बारे में, जो है समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। इसका भी खोज तीसरा दीबोर नामक वैज्ञानिक ने 1902 में किया था। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाए, ये चित्र में हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, समताप मंडल। चलिए बात करते हैं समताप मंडल के बारे में। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर, औसत ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर है, जहां पर समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे तापमान समान पाया जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मौसमी घटना नहीं होता है। थोड़े बहुत बादल या फिर हवाओं का संचरण निचले समताप मंडल में, जो क्षोभ मंडल से लगा हुआ है, उस क्षेत्रों में परिसंचरण होता है। और यह जेट विमान अर्थात हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त परत माना जाता है। यह अनुकूल स्थिति प्रदान करता है किसी भी प्लेन को उड़ने के लिए। अब इसी समताप मंडल के ऊपरी छोर में लगभग 30 से 60 किलोमीटर के मध्य, 30 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल पाया जाता है। याद रखेंगे, जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल का ही हिस्सा है, जो 30 से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, यह समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की अध्यक्षता पाई जाती है, और ओजोन गैस का सबसे बड़ा उपयोगी होता है सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उसे अवशोषित कर लेती है, और जीव जंतुओं को विभिन्न रोगों से बचाती है। और समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। आगे बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में, जो हमारा तीसरा मंडल है, मध्य मंडल या फिर मेसोस्फीयर जिसे कहा जाता है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहला मंडल हमारा हो गया क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, अब तीसरी परत के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि है हमारा मध्य मंडल। यह 50 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। याद रखेंगे, 50 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। यहाँ का न्यूनतम तापमान कभी कभी -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परतों में से एक है। ऊपरी सीमा अर्थात आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है, मेसोपॉज कहा जाता है। अंतरिक्ष से जब कोई उल्का पिंड गिरता है तो जैसे ही वो मध्य मंडल में पहुंचता है तो उसमें क्या हो जाती है, जलने लग जाता है। उल्का पिंड क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। आगे बात करते हैं हमारी चौथी परत, ठीक है। क्षोभ मंडल पहला परत, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, और चौथा जो मंडल है हमारा है आयन मंडल। यह लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होती है, जो 400 से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह रेडियो तरंगों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहने का मतलब है, किसी भी टेलीविजन या फिर रेडियो तरंगों को जब प्रसारित किया जाता है तो वो सबसे पहले समताप मंडल में जाके टकराता है, उसके पश्चात विभिन्न घरों तक ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो की। और विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आयन मंडल को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे डी परत, ई परत, ई विशिष्ट परत, ई टू परत, एफ परत, जी परत। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयन मंडल की विभिन्न परतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो परत होता है वो है डी परत। 60 से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई के मध्य यह स्थित है। 60 से 90 डी परत के बारे में बात कर रहे हैं, 60 से 90 किलोमीटर तक पाया जाता है, और यह न्यून आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को क्या करती है, पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। सूर्यास्त तो होने के साथ यह जो परत है वह लुप्त हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सौर्य विकिरण या फिर सूर्य ताप से होता है। अगला जो परत पाया जाता है, जो आयन मंडल का हिस्सा है, वो है ई परत। ई परत 90 से 130 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसे केनली हेविसाइट परत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, केनली हेविसाइट परत कौन सा है, आयन मंडल के
उपविभाग में यदि बांटा जाए तो ई परत को क्या कहा जाता है? केनली हेवाइट परत भी कहा जाता है। यह मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले तरंगों को पृथ्वी की ओर क्या करती है? परावर्तित करती है। इस परत का निर्माण सौर बैंगनी फोटॉन नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के अणुओं के अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। आगे बात करते हैं, हमने बात कर लिया आयन मंडल के बारे में, बात कर रहे थे सबसे पहला परत हमने डी परत देखा, फिर ई परत देखा। अब बात करते हैं विशिष्ट ई परत। विशिष्ट ई परत का संबंध तेज गति वाले हवाओं के साथ होता है तथा इसका निर्माण विशेष परिस्थिति में होता है, यह हमेशा विद्यमान नहीं होती है। यह क्या करता है? अति उच्च आवृत्ति वाले तरंगों को परावर्तित करती है। अब देखिए, जो डी परत होता है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंगों को वापस भेजती है। वही ई परत जो होता है वो मध्यम और जो उच्च फ्रीक्वेंसी वाले जो रेडियो तरंग होती है उसको क्या करती है? वापस परावर्तित करती है। और जो ई विशिष्ट है वो अति उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। अगला परत है हमारा ई टू परत, जो कि आयन मंडल का हिस्सा है। यह परत सामान्यतः 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस परत का निर्माण पैराबैंगनी सौरिक फोटॉन के ऑक्सीजन के अणुओं के साथ के अभिक्रिया के साथ होता है। अगला परत है हमारा एफ परत। एफ परत का निर्माण दो परतों के सहयोग से हुआ है, F1 और F2। यह सम्मिलित रूप से अपलिप्टन परत के नाम से जाना जाता है। 150 से 380 किलोमीटर ऊंचाई, 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या है? सीमित है। मध्यम एवं उच्च वृद्धि वाले रेडियो आवृत्ति को क्या करता है? यह परावर्तित करता है। अगला है जो आयन मंडल का हिस्सा है, जी परत। 400 किलोमीटर के ऊपर तक पाई जाती है, यह लगभग 400 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? जी परत पाया जाता है। एक बार बात कर लेते हैं, हम बात करके सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में, जो पृथ्वी का सबसे निचला परत है। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, फिर तीसरा है मध्य मंडल और चौथा हमने आयन मंडल के बारे में बात किया। आयन मंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया, जैसे कि सबसे पहले हमने डी परत देखा, फिर ई परत देखा, फिर ई विशिष्ट परत देखा, फिर हमने ई टू परत देखा, उसके पश्चात हमने एफ परत देखा और अंत में हमने जी परत के बारे में बात किया। चलिए आगे बात करते हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। इस परत के बारे में जानकारी का थोड़ा सा अभाव है और बहिर्मंडल के खत्म होते ही, एक्सोस्फियर के खत्म होते ही अंतरिक्ष हमारा शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं बहिर्मंडल के बारे में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल, एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल कहलाता है। इसका सर्वाधिक अध्ययन लेहमान ने किया था। लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक यह सीमित है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। और इस सीमा का यदि तापमान की बात किया जाए तो लगभग 5338 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पाया जाता है। चलिए एक बार देखते हैं हमने क्या क्या बात किया। हम बात कर रहे थे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया था हमने क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल जो सबसे निचला परत था, इसकी विशेषता थी यहाँ क्या होता है? मौसमी संबंधी घटनाएं मुख्य रूप से होता है। वही दूसरा मंडल हमने बात किया था समताप मंडल के। तो समताप मंडल की विशेषता है कि यहाँ पे तापमान समान होती है। तापमान समान होने की वजह से यह प्लेन को उड़ने के लिए क्या प्रदान करती? उपयुक्त या अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। उसके बाद हमने मध्य मंडल के बारे में बात किया था। मध्य मंडल क्या है? सबसे ठंडी परतों में से एक है। जैसे ही उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करती है, क्या होता है? उल्काओं में आग लगना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हमने चौथी परत के बारे में बात किया था, ठीक है, जो है आयन मंडल। आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह क्या करती है? रेडियो तरंगों या फिर टेलीविजन तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी की ओर भेजती है। उसके बाद हमने आयन मंडल के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे परतों के बारे में बात किया था, डी परत, ई परत, ई विशिष्ट परत, फिर एफ परत, फिर अंत में हमने जी परत के बारे में बात किया था।
और अंत में हमने बात किया था सबसे ऊपरी भाग जिसे वायुमंडल बहिर्मंडल जिसे कहते हैं, यह क्या है, यहाँ का तापमान, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम जो गैस है उससे निर्मित है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से निर्मित है, और जिसके फलस्वरूप यहाँ का तापमान लगभग 5538 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी के साथ वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल की विभिन्न परतों का लेक्चर खत्म होता है, आप ध्यान में रखेंगे। और विशेषकर जो आयन मंडल के डी ई विशिष्ट है, E2 और F और G परत को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में। तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ललित के ठाकुर को जाके आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।